बच्चा अगर मंदिर में पानी पीने चला गया, पहले तो उस बाप, उसके बाप का मंदिर नहीं है, जो उसमें मठ बना बना उसके बाप का मंदिर नहीं है, मंदिर हमारा है और हमारा बालक पानी पीने गया, इस तरीके से मारा है। जो उन्होंने लिख रखा है कि मुसलमानों का बढ़ना वर्जित है, डीएम एसएसपी को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी देके सबसे पहले तो उसे मिटवाने का काम करेंगे, और मंदिर में हमारे पूर्वजों का मंदिर है, मंदिर हम जाएंगे, अगर किसी की माने दूध पिया हो तो हमें आके रोक के दिखाए। एचएस है, गुंडा है ये जो त्यागी बाबा आया है, इसने यहाँ कुछ गुंडों को लाके माहौल बिगाड़ने का काम किया, जो मुसलमान आना वर्जित वो भी खत्म करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले। आसिफ के साथ हुई घटना के बाद स्थानीय विधायक ने भी इस वीडियो को संज्ञान लिया है और पीड़ित परिवार से और पीड़ित बच्चे से विधायक खुद मिलने पहुंचे हैं। वो जिस वक्त इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं किस तरह की उन्होंने संज्ञान लिया है और क्या इस पर कहना चाहते हैं। स्वागत है आपका टाइम 24 में। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह परवरदिगार का शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चे के कोई ज़्यादा चोट नहीं लगी। दूसरे नंबर पर मैं अपने पुलिस प्रशासन का को बहुत ही धन्यवाद करना चाहता हूँ, ऐसे बड़े बवाल से बचाने के लिए तुरंत तत्काल कार्रवाई करने का काम किया। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मंदिर जो है देवी मंदिर हमारे पूर्वजों का मंदिर है, हम सुन्नी मुसलमान हैं, हमारे पूर्वजों का मंदिर है। यहाँ कुछ बाहर के गुंडे तबके के लोग आ गए जिन्होंने यहाँ गुंडे मचाना चाहा, पर बाकी हमारे आसपास की जितने भी गवांड हैं, गांव हैं, चाहे वो त्यागी समाज से हैं, गुर्जर समाज से हैं, यादव समाज से हैं, जाट समाज से हैं, चाहे मुस्लिम समाज से हैं, उनमें इतना प्यार है, मैं उनका बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ अपने गांव के लोगों का। इस गुंडे की यहाँ गुंडे ही नहीं चलने दी, आए दिन जो हिंदुओं को भी गाली बकता है, अभी एक वीडियो मैंने देखी थी, वो पुलिस वाले आ गए, उनके जयकारा नारा बोल दिया, उन्हीं को गाली दे रहा कि हिंदुओं ने तो अपनी माँ, आपने सुना। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, वो जो गुंडा जब से यहाँ आया उसने पता नहीं कहाँ से बिहार से कहाँ से लोग यहाँ लड़के जमा कर रखे हैं मंदिर में, और वो यहाँ गुंडे करना चाहता था, भाग तो गया है यहाँ से, अब तो धोखे से घंटे दो घंटे को आता है, चूंकि एक ठाकुर समाज का लड़का है, उसके घर में बड़ा रहता है, मैं इसे भी कहने से गुरेज नहीं, चूंकि दुनिया के अंदर चाहे चर्चगाह हो, गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, मस्जिद हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, सारे लोग धार्मिक किताब प्याऊ लगाते हैं, खाना भंडारा लगाते हैं खाना खिलाने के लिए। हमारा ये बच्चा अगर मंदिर में पानी पीने चला गया, पहले तो उस बाप, उसके बाप का मंदिर नहीं है, जो उसमें मठ बना बना उसके बाप का मंदिर नहीं है, मंदिर हमारा है और हमारा बालक पानी पीने गया, इस तरीके से मारा है। जो उन्होंने लिख रखा है कि मुसलमानों का बढ़ना वर्जित है, डीएम एसएसपी को और मुख्यमंत्री को चिट्ठी देके सबसे पहले तो उसे मिटवाने का काम करेंगे, और मंदिर में हमारे पूर्वजों का मंदिर है, मंदिर हम जाएंगे, अगर किसी की माने दूध पिया हो तो हमें आके रोक के दिखाए। अच्छा, एक अगर किसी की माने दूध पिया हो हमारे साथ तो बिरादरी के गांव, हम खुद जाएंगे मंदिर में, और वो जो हरामखोर बाबा यहाँ ड्रामे करता नाटक करता वो आके बढ़ के दिखाए, उसकी औकात बता देंगे अपन। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि हिंदू मुस्लिम चाहे वो यादव हो, त्यागी हो, कोई भी हो, उनमें भाईचारा बहुत है आसपास के क्षेत्र में, फिर उसके बाद भी ये बच्चे को बता रहा, बच्चे से हमने जब बात की वो उसका कहना है कि पहले उन्होंने पिताजी का नाम पूछा, फिर इसका नाम पूछा, फिर मारा गया उसको, तो क्या ये अराजक तत्वों द्वारा एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल यही बात सही है। हमारे जाट गुजर इकलाई नागपुर रघुनाथपुर पुटी बयाना काजीपुरा सिकरौड़ा सदापुर मट्याला नाहल मसूरी तमाम भूडगढ़ी तमाम ये गाँव हैं, और जब यहाँ पहले मेला लगता था सारे हिंदू मुसलमान लोग सारे आते थे मेले में, और यहाँ जमीन भी थी, एक तालाब भी था, सब कुछ करा। ये जो जब से बाबा आया है, ये एचएस है, गुंडा है, ये जो त्यागी बाबा आया है, इसने यहाँ कुछ गुंडों को लाके माहौल बिगाड़ने का काम किया। मैं अपनी जनता का, अपने सारे क्षेत्रवासियों का, हिंदू मुसलमान भाइयों का हमेशा शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि उस गुंडे के चक्कर में आकर माहौल नहीं बिगड़ने दिया। बाकी अब पुलिस प्रशासन में भाग दौड़ कर, पुलिस प्रशासन भी है, पूर्व के एक एसओ ने कहा था कि एप्लीकेशन दो, इस गुंडे का जम मैं कर दूंगा, और इस गुंडे की वजह से एक मर्डर हो गया था। तो ये सारा इसका जो बाबा गुंडा है, इसने जो ये पिट्ठू पाल रखे हैं, या तो खुद चले गए वरना पुलिस प्रशासन ने या तो जेल में हो गए या फिर कहीं और होंगे। पूरी बच्चे से मिलना है बच्चे को, ये तो अच्छा हुआ बच्चे पे ट्रायल हो गया,
किसी बड़े पे ट्रायल होता तो यहाँ कुछ और ही होता। अब इसकी कार्रवाई के लिए हम खड़े हो गए हैं, जो वो मुसलमान आना वर्जित वो भी ख़त्म करवाएंगे और पुलिस प्रशासन से मिलकर इन गुंडों की जितने भी यहाँ गुंडे बाहर के रहने मंदिर में इनका इलाज कराएंगे। अगर रहेंगे हमारा मंदिर हमारे पूर्वजों का मंदिर है, या तो हमारे हिंदू भाई रहेंगे, ये बाहर का गुंडा यहाँ कोई नहीं रहेगा, इसका इलाज कर देंगे। एक बच्चे को पीटना और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करना, ये कितना सही है? आज पूरे देश और प्रदेश और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी, प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब पता लगाया तुरंत ट्वीट किया और पुलिस प्रशासन को हरकत में लाया 24 घंटे। चूंकि एक बच्चा कहीं भी पानी पीने कोई भी कहीं जा सकता है, बच्चे को साफ वीडियो में दिखा रहे हैं, बच्चे ने कहा मैं पानी पीना आया हूँ। अरे कैसे हिंदू धर्म के महाधीश हैं, कैसे मठाधीश हैं, जो आदमी पुण्य सिखाता है, अच्छी बात सिखाता है, पानी पिलाना सिखाता है, भंडारा चलाना सिखाता, वो हरामजादे एक बच्चे को पीने पानी पी पर पीटेंगे? इनकी औकात में आ जाएंगे पुलिस प्रशासन और हम सब मिलकर इनको औकात में लाने का काम करेंगे।